विश्ववार्ता देख रहे हो, तुसीं बहुत बहुत स्वागत है सारे ही दर्शकों का। गोल्डी ब्रांड नाल संबंधित कैनेडा तो वड्डी खबर सामने आई है। गोल्डी ब्रांड नू कैनेडा विचों वांटेड दी लिस्ट चो बाहर कर दिता गया, यानी कि हुण कैनेडा दे विच पुलिस नू गोल्डी ब्रांड दी गिरफ्तारी दी जरूरत नहीं है। गोल्डी ब्रांड हुण कैनेडा च वांटेड नहीं रहा। गोल्डी ब्रांड दे नाल होर भी कई अपराधियों नू वांटेड दी लिस्ट चो बाहर कढ़िया गया। इस खबर दे नाल ही हुण गोल्डी ब्रांड दी भारत नू हवालगी दीआं उम्मीदां होर भी धुंधलियां हो चुकियां ने। तुहानू दस दईए, भारत विच 2022 दे विच सिद्धू मूसेवाला दा कतल हुंदा है, जिस तों बाद भारत दे विच इसदी इनवैसटीगेशन चलदी है ते सीधे तौर पर गोल्डी ब्रांड का इस मामले दे विच नाम सामने आउंदा। उस तों बाद जनवरी 2024 दे विच भारत सरकार दे वलों कैनेडा नूं गोल्डी ब्रांड की हवालगी दे संबंध विच मंग कीती जांदी है, जिस तों बाद कैनेडा दे विच भी गोल्डी ब्रांड वांटेड बनाया जांदा। गोल्डी ब्रांड दे नाल संबंधित वांटेड लिस्ट जारी कीती जांदी है ते हुण गोल्डी ब्रांड कैनेडा पुलिस नूं लोड़ींदा नहीं रहा, वांटेड लिस्ट च उसका नाम कढ दित्ता गया। इस खबर दे नाल गोल्डी ब्रांड की भारत नूं हवालगी दीआं जिहड़ियां उम्मीदां ने होर भी धुंधलियां पै चुकियां ने। तुहानूं दस दईए, सिद्धू मूसेवाला तों बाद गोल्डी ब्रांड का नाम जिहड़ा सी एकदम हाईलाइट होया सी ते भारत ने उसकी हवालगी कैनेडा तों मंगी सी। कैनेडा दे नाल भी भारत दे रिश्ते ने लगातार जिहड़े खटास वल जा रहे ने, इन्हां रिश्तियां दा भी असर देखण नूं मिल रहा। भारत कैनेडा दे रिश्तियां दा असर भी इस पूरे मामले नूं लै के देखण नूं मिल रहा। इस तों पहलां कैनेडा वल्लों वांटेड दी लिस्ट दे विच गोल्डी ब्रांड दा नाम शामिल कीता गया सी, जिस नूं हुण हटा लिया गया। इस दे नाल ही भारत हवालगी दीआं उम्मीदां जिहड़ियां ने धुंधलियां पै चुकियां ने। इस दे नाल ही गोल्डी ब्रांड सिर्फ भारत दे विच ही नहीं, कैनेडा आते अमेरिका दे विच, नॉर्थ अमेरिका दे विच भी कई मामलों दे विच गोल्डी ब्रांड का नाम सामने आया सी, जिस तो बाद उसकी हवालगी दीआं उसकी वांटेड होण दीआं खबरां सामने आईआं सन। हुण वड्डा सवाल यह बनता है कि की कैनेडा पुलिस नूं हुण गोल्डी ब्रांड की जरूरत नहीं है? तो उन्हां तमाम मामलों दे विच जिन्हां विच गोल्डी ब्रांड नामजद सी, कि उसनूं बरी कर दिता गया? इस दे पिछे की कारण रहे ने? आखिर कैनेडा वालों यह फैसला क्यों लिया गया? गोल्डी ब्रांड नूं वांटेड लिस्ट चों क्यों बाहर कढ़िया गया? यह भी एक वड्डा सवाल है कि इसका भारत दे नाल रिश्तियां दे नाल कोई संबंध है? भारत दे नाल भी कैनेडा दे रिश्ते पिछले काफ़ी लंबे समय तो खटास वाल जा रहे हैं, खास तौर पर निज्जर हत्या तो बाद कैनेडा दे नाल भारत दे रिश्ते खटास वाल गए ने। भारत वालों लगातार कैनेडा नूं इह कहा जा रहा है कि उस दे खिते दा इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियां दे विच कीता जा रहा है। इस दे नाल ही यह भी खबर आईयां ने कि गोल्डी ब्रांड है जिहड़ा उह भारत जिहड़े गर्म दलिए ने उहनां दे नाल गोल्डी ब्रांड दे संबंध है। सो एक कई किस्म के कनैक्शन जिहड़े ने गोल्डी ब्रांड दे नाल जोड़े जाते रहे ने। सो यह पूरा मामला जिहड़ा सामने आया, गोल्डी ब्रांड हुण वांटेड नहीं रहा कैनेडा दे विच। इस दे नाल ही भारत अते कैनेडा दे जिहड़े डिप्लोमैट सिगे उन्होंने आपो अपने डिप्लोमैट भी वापस बुला लए ने। कैनेडा ने भी अपने डिप्लोमैट वापस बुलाए ने, भारत ने भी अपने डिप्लोमैट वापस बुलाए ने। कैनेडा तो भारत वापस परते संजय वर्मा नाम के डिप्लोमैट ने भी इस संबंध के वड्डे खुलासे किए ने। संजय वर्मा ने भी गोल्डी ब्रांड के संबंध के कैनेडा नू अपने सवालों के घेरे के लिया। संजय वर्मा ने कहा कि उन्होंने वड्डे सवाल भी खड़े किए ने, यह भी कहा कि हुण गोल्डी ब्रांड की जरूरत नहीं रही कैनेडा नू। आखिर भारत दे नाल जिहड़े रिश्ते खटास विच आए, उस तो बाद ही कैनेडा सरकार वालों गोल्डी ब्रांड नू वांटेड लिस्ट चो बाहर कढ़न दा इह फैसला क्यों लिया गया? सो इह तमाम सवाल ने इस खबर दे नाल जिहड़े इस दे आले दुआले घूम रहे ने। पर इस सारे मामलों दे विच वड्डी खबर यह है कि हुण कैनेडा नू कैनेडा पुलिस नू गोल्डी ब्रांड वांटेड नहीं रहा ते भारत दे विच उस दी हवालगी दा जिहड़ा रस्ता है होर भी धुंधला हो गया। उसकी हवालगी दियां भारत नूं जिहड़ियां उम्मीदां सी होर भी धुंधलियां पै गईआं ने।